सब्सक्राइब कीजिए फ्री हिंदी एडवाइस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। जब भी आप जिम ज्वाइन करते हैं तो वहाँ ट्रेनर आपको कई बार प्रोटीन पाउडर लेने की सलाह देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आपको मांसपेशियों के निर्माण के लिए और ज्यादा ताकत प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करना होता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन पाउडर का आप सही मात्रा में और सही दिशा निर्देशों के अनुसार ही ले रहे हैं, क्योंकि ज्यादा प्रोटीन पाउडर के सेवन से आपको कई तरह के शारीरिक दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि इसके अतिरिक्त सेवन से आपको क्या कठिनाइयां हो सकती है। आइसोलेटेड फ्रुक्टोज आपको हानि पहुंचाता है। प्रोटीन पाउडर का स्वाद वास्तविक रूप से अच्छा नहीं होता, इसमें कई बार मीठा भी मिलाया जाता है। इसलिए जब भी आप कोई प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसमें कौन सा स्वीटनर या चीनी का घातक प्रयोग लाया जा रहा है। आमतौर पर शुगर अल्कोहल जैसे माल्टाइटोल, सोर्बिटोल और आइसोलेटेड फ्रुक्टोज जैसे पदार्थ आपके पेट की परेशानियों का कारण बन सकते हैं। सोर्बिटोल की ज्यादा मात्रा के सेवन से आपको दस्त की संभावना बढ़ जाती है और यह एक लैक्सेटिव प्रभाव छोड़ता है। इसके साथ ही मीठे की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ज्यादा प्रोटीन पाउडर आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। इसी वजह से जहां तक हो आपको चीनी रहित प्रोटीन का ही सेवन करना चाहिए। आप चाहे तो स्वाद के लिए इसमें शहद मिलाकर ले सकते हैं। हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है। जी हाँ, प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से आपके हार्मोन का संतुलन भी भयंकर तरीके से गड़बड़ा सकता है। सोया प्रोटीन में आइसोफ्लावास मौजूद होते हैं जो शरीर में फाइटोस्ट्रेगन्स की तरह से हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ते हैं। खासकर यह महिलाओं की प्रजनन क्षमता से संबंधित परेशानी का कारण भी बनते हैं, क्योंकि प्रोटीन पाउडर में मौजूद तत्व वास्तविक एस्ट्रोजन की प्रक्रिया को बंद करके इसकी गतिविधि को कम कर देते हैं या फिर एस्ट्रोजन की उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए प्रोटीन पाउडर को लेने से पहले उसमें मौजूद मिले हुए पदार्थों को अच्छे से जांच लें। पेट से संबंधित समस्याएं। जी हाँ, वे प्रोटीन में मौजूद लैक्टोज वास्तव में दूध और उससे बने उत्पादों में मौजूद चीनी का एक रूप है। इसलिए अगर आप इस तरह के प्रोटीन का सेवन कर रहे हैं और आपको लैक्टोज सूट नहीं करता तो आपको विभिन्न प्रकार के पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पेट में सूजन होना, ब्लोटिंग होना या कभी कभी दस्त होना। इसके साथ ही कभी कभी अचानक से ही पेट में दर्द और मतली की समस्या भी हो सकती है। अगर आपको लैक्टोज से एलर्जी है तो आपके पाचन तंत्र पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस परेशानियों से बचने के लिए लैक्टोज रहित प्रोटीन पाउडर का ही उपयोग करें। कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। जी हाँ, कुछ शोधों से पता चला है कि सोया प्रोटीन पाउडर में मौजूद फाइटोस्टोस्टेरोनों का ज्यादा मात्रा में सेवन आपको स्तन कैंसर जैसी बीमारियों से प्रभावित कर सकता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि आइसोवाल्वन ब्रेस्ट कैंसर के विकास के पीछे सोया प्रोटीन भी हो सकता है। हालांकि इन अध्ययनों से इस बात की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा प्रोटीन पाउडर का सेवन नहीं करना चाहिए और जहां तक मुमकिन हो सावधानी के तौर पर प्रोटीन पाउडर में सोया प्रोटीन के विकल्प का चुनाव करना स्वास्थ्य के लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आप इस वीडियो और हमारे चैनल के अन्य वीडियो में दी गई जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट freehindiadvice.com पर जरूर विजिट कीजिए, जिसमें वीडियो के साथ साथ टेक्स्ट में भी सब जानकारी उपलब्ध है। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जो 100% फ्री है। थैंक यू।